हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट ससी। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। अंडमान से निकोबार सेपरेट होता है किस वाटर बॉडी से? ये सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से। ओके, 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल भी है। 8 डिग्री चैनल जो होता है वो लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। ओके, दिस इज 10 डिग्री चैनल। ये है आपका अंडमान सी एंड दिस इज निकोबार आइलैंड। यहाँ आपका लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए, कामेंग है, सुबनसिरी है, दिहंग है, लेकिन स्वर्ण रेखा नहीं है। स्वर्ण रेखा एक डैम है, ये झारखंड में है, और झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इस स्वर्ण रेखा पर एक वाटरफॉल होता है, इसको हुंडारू वाटरफॉल कहते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहती है। ओके, हिमालय इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट। हिमालय किसका एग्जाम्पल है? तो ये हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल। ओके, ओरिजिनेट होता है हिमालय टेथिस सी से ओरिजिनेट हुआ था। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आपका देखिए अरावली आता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में, और सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर है, और गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट ये एग्जाम्पल है प्लेस्टोसिन एंड रिसेंट डिपॉजिट, प्लेस्टोसिन एंड हाल ही में जमा जो डिपॉजिट्स हैं वो। विच डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पे कौन सा है जो बनाया गया है? तो ये है टेहरी डैम। टेहरी डैम है जो भागीरथी रिवर पे बनाया गया है। ओके, और कोयना डैम पे कौन सा है? कोयना डैम पे है, कोयना डैम आपका कोयना रिवर पे बना है, कोयना रिवर पे बना है, और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। श्रीशैलम डैम ये आपका कृष्णा रिवर पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और ये सरदार सरोवर डैम ये आपका नर्मदा में बना है, नर्मदा पर बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है। ओके, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमोसफियर वॉज मेड इन। पहला प्रोटोकॉल कौन सा था जिसमें प्रोटोकॉल था कि इनके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन पर बैन किया जाएगा? तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इसमें बोल रहा है कि कोरिओलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स विंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यही गलत है, लेफ्ट नहीं राइट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न वाले में आपका लेफ्ट हो जाता है। सो दिस वन इज रॉन्ग, और इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ए इज इनकरेक्ट। तो बाकी सारे भी देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड्स। यस, फ्रिक्शनल फोर्स जो है घर्षण बल स्पीड को, विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, दिस इज राइट। क्लोजनेस ऑफ आइसोबार रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। यस, आइसोबार की क्लोजनेस से प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये भी सही है। कोरिओलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यस,
प्रोग्रेसिव फोर्स परपेंडिकुलर काम करता है. सो आंसर इज ए, ए ही इनकरेक्ट है. ओके, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी? क्रॉप की रोटेशन नेसेसरी क्यों होती है? तो क्रॉप की रोटेशन नेसेसरी होती है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल. विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? सभी जानते हैं प्लूटो है. अर्थ का एक मून है होता है, जुपिटर के आपके 95 मून है और सैटर्न के 146 मून है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड हैज सेकेंड हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा है जो सेकेंड हाइएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की? तो ये सेकेंड हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की है आपका अफ्रीका. फर्स्ट पे है एशिया एंड सेकेंड पे है अफ्रीका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं. फर्स्ट पे है एशिया, सेकेंड पे है अफ्रीका, थर्ड पे है यूरोप एंड फोर्थ पे है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड फिफ्थ पे है नॉर्थ अमेरिका. ओके, फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज एंड फिफ्थ वन है नॉर्थ अमेरिका. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में इंगेज्ड इंडियन पॉपुलेशन है 60%. ये आपका जो एग्रीकल्चर है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है. ओके, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर होता है. और टर्सरी, टर्शरी आपका सर्विसेज जो होती हैं, ये आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं. इन रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द शेड ऑफ ए कैनोपी इज नोन एज? कैनोपी के शेड में जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंडर स्टोरे. देख लेते हैं, ये इमर्जेंट, द इमर्जेंट लेयर, दिस वन इज इमर्जेंट लेयर. इसके शेडो में आता है कैनोपी. कैनोपी के शेडोज में आते हैं द अंडर स्टोरे, उसके शेडो में आते हैं आपका द फॉरेस्ट फ्लोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज लेक डिजर्ट इन इंडिया? लेक डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ इंडिया. लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है नैनीताल को. और सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उदयपुर को. उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में. और सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स, सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स इसको ये कहते हैं फिनलैंड को. सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स. Which one of the following is not non-conventional source of energy? कौन सा non-conventional source of energy है? तो non-conventional source of energy में वो होते हैं जो natural होते हैं. Okay. और conventional source of energy जो natural gas होती हैं, जो man-made होते हैं, उसको conventional कहते हैं. तो इसमें non-conventional पूछा है, तो answer is natural gas. द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड इज टोटली एबसेंट इज कॉल्ड वॉट? लेयर जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है अल्टीट्यूड के बढ़ने पर, उसका टेम्परेचर एकदम डिक्रीज हो जाता है, तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर में ये एकदम अनुपस्थित रहता है. ओके, तो टेम्परेचर एकदम अनुपस्थित रहता है, ये है स्ट्रेटोस्फीयर. और एक किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं हम जब एटमॉस्फेयर की तरफ, तो ये 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये तापमान में कमी हो जाती है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है. स्ट्रेटोस्फीयर में ये एकदम अनुपस्थित रहता है. आयनोस्फीयर आल्सो कॉल्ड थर्मल,
थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर मध्यमंडल। आयनोस्फीयर ये सबसे गर्म होता है और मेसोस्फीयर ये सबसे ठंडा होता है। पृथ्वी की परपटी में कई तत्व उपलब्ध हैं लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हैं यहाँ पे एल्युमिनियम एंड आयरन। सो देखिए जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से वो सही था, लेकिन नंबर वन पे है देखिए ऑक्सीजन, टू पे सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम। इसके एटॉमिक नंबर, इसके क्रिस्टल अबंडेंस परसेंटेज दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को सबसे कम प्रभावित करने वाला इसमें कौन सा दिया हुआ है देख लेते हैं। इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन्स, यस हरिकेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, इज राइट। लॉस ऑफ फर्टिलिटी डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर, डेल्टा कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, दिस इज ऑल्सो राइट। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, ऐसा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रभावित नहीं करेगा। सो आंसर इज सी, ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र का सिकुड़ना, दिस इज ऑल्सो राइट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब होता है। आंसर इज सी, ये लीस्ट लाइकेबल है, लीस्ट लाइकली टू बी हैव अफेक्ट। ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, रीफ इज लोकेटेड इन ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल व्यक्ति ये है ऑस्ट्रेलिया में। मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, मॉल्टन रॉक जो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को कहा जाता है मैग्मा। द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हजार्ड इज, मिनिमम शॉर्ट टर्म जो जिसका सबसे कम शॉर्ट टर्म जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, ये होता है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है, पानी बरसता है बिजली कड़कती है ना, उस वो सबसे अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा होता है। अच्छा ये आपने सुना होगा कि पहले बिजली कड़कती, पहले बिजली चमकती है फिर उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उसकी स्पीड के कारण होता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड होती है 3×32 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए लाइट की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है, इसलिए लाइट पहले आएगी, साउंड बाद में आएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया हुआ है। ओके, द ओरिजिन ऑफ मेकोंग रिवर इज द फ्रॉम प्लेटू ऑफ तिब्बत, यस तिब्बत के प्लेटू से स्टार्ट होता है, दिस इज राइट। द डेल्टा ऑफ मेकोंग इज लोकेटेड इन सदर्न कम्बोडिया, यस यहाँ से स्टार्ट होता है और कम्बोडिया में जाके गिर जाता है, सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, विंटर रेनफॉल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का बेस्ट सोर्स कौन सा है। अब देखिए फ्रेश वाटर मतलब उसमें साल्ट नहीं होगा, ओशन में साल्ट, सी में साल्ट, ब्रैकिश वाटर में साल्ट, यही रिवर है जिसमें सॉल्ट नहीं होगा, सो आंसर इज डी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट देन द अदर थ्री, कौन सा है जो मोर सनलाइट देगा अदर थ्री के से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा अदर थ्री से। सनलाइट रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे कहते हैं एल्बिडो, एल्बिडो,
एल्बिडो को कहते हैं सनलाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब पृथ्वी पे जो सनलाइट्स आ रही हैं फिर उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाना, उसको कहते हैं एल्बिडो। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा परावर्तित कर देगा, तो ये करेगा फ्रेश स्नो कवर्ड लैंड। फ्रेश स्नो कवर्ड लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा परावर्तित करेगा। और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कौन सा करता है, ऑब्जर्व करता है ब्लैक एरिया। जितने भी ब्लैक एरिया होंगे वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, और इसका एल्बिडो जो होगा वो जीरो होगा। जो जितने भी ब्लैक एरियाज हैं उनका एल्बिडो ज़ीरो होता है। ओके, ये दिए गए हैं परसेंटेज वाइज कितना ऑब्जर्व करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है। तो थिक क्लाउड इतना रिफ्लेक्ट करेगा, वाटर इतना रिफ्लेक्ट करेगा, थिन क्लाउड्स इतना रिफ्लेक्ट करेगा, स्नो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ओके, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न इज ए नोडल डिवीज़न इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी पद कोई भी पद भार ग्रहण किया, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने अपना वाइस प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया, तो वो स्वतः ही चेयरमैन बन जाते हैं कहाँ के, राज्यसभा के। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट बनते ही वो चेयरमैन बन गए। ओके, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है इसका, तो ये है प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा है पेट्रोलियम। नोबी एंड कांतो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नोबी कांतो नाम से ही सोचिए, नोबिता सुजुका जैसा नाम जापान में होता है। सो आंसर इज सी, जापान। Which one among the following is not a characteristic feature of mangrove? Mangrove का characteristic feature कौन सा इसमें नहीं है, तो देख लेते हैं। They are intertidal forested wetlands. Yes, intertidal होते हैं, forested wetlands हैं, this is right. Mangrove habitat obstruct the growth and establishment of other of, ये obstruct क्यों करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट बिल्कुल नहीं करता, किसी भी जीव की वृद्धि स्थापना के लिए बाधा भी बिल्कुल नहीं जाता, तो दिस इज रॉन्ग। दे डोमिनेट रिवर डेल्टास लगूनस एंड एस्टुरीज। यस, ये डोमिनेट करते हैं, दिस इज राइट। दे आर हाईली साल्ट टॉलरेंट। यस, इसमें सहिष्णुता होती है कि ये साल्ट को टॉलरेंट कर देते हैं, दिस इज राइट। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में कौन सा लोकेटेड नहीं है, सो द आंसर इज मैंडेरा। मैंडेरा ये आपका कैरेबियन सी है, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक सी, एंड दिस इज मैक्सिको, निकारागुआ, कंबोडिया, वेनेजुएला, एंड दिस इज क्यूबा। देख लीजिए, द जैद क्रॉपिंग सीजन इज द बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप। जैद क्रॉपिंग सीजन कौन सा बेस्ट है जैद के लिए कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त है, तो इसमें है वाटरमेलन है जैद क्रॉप। कॉटन, ज्वीट, जूट ये जैद क्रॉप नहीं है। कॉटन क्या किसमें होता है, ब्लैक सॉयल में होता है, ब्लैक सॉयल में होता है, और इसके रिवोल्यूशन को कहा जाता है सिल्वर फाइबर इसको कहा जाता है। कॉटन का जो रिवोल्यूशन हुआ था उसको सिल्वर फाइबर कहा जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन जो हुआ था, वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें लोगों ने कॉटन उगाई थी। ओके, जूट के रिवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, जूट के रिवोल्यूशन को कहा जाता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। ओके, गोल्डन फाइबर जूट में नंबर वन है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, एंड वर्ल्ड में देखा जाए तो ये बांग्लादेश है, वर्ल्ड वाइज बांग्लादेश है।
और इंडिया में है वेस्ट बंगाल। ये है जैद सीजन, ये रबी और खरीफ में जो बीच में जो शॉर्ट टर्म होता है उसी बीच में जैद उगाई जाती है। देख लीजिए, प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड व्हाट। तो देखिए, स्लीट जो होता है वो होता है रेन एंड स्नो, रेन एंड स्नो इक्वल टू स्लीट। तो इसी को बारिश और बर्फ के मिश्रण यही है स्लीट, तुषार वर्षा होती है इसमें। और स्नो में क्या होता है, इसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, आइस क्रिस्टल। तो ये स्नो होता है आइस क्रिस्टल में। ड्रिजलिंग में क्या होता है, इसमें 0.5 मिलीमीटर के आपके ड्रॉप्स गिरते हैं, ओके, बूंदाबांदी उसको कहते हैं। और हेल्स में क्या होता है, हेल्स में होता है सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है, इसमें सॉलिड प्रेसिपिटेशन स्नो का होता है, ओके। तो इसमें बारिश और बर्फ की बात कर रहे हैं तो ये स्लीट कहलाता है, तुषार वर्षा, ओके। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन होल, ओजोन होल के लिए कौन सा ट्रू है, इट इज लॉस ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ओवर द अंटार्कटिका, नो, इट इज लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओवर अंटार्कटिका, दिस इज राइट। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में लॉस होता है, ओके। और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में गुड ओजोन होता है, गुड ओजोन लेयर है, और ट्रोपोस्फेरिक में बैड ओजोन होता है, दोनों होता है, ये बैड ओजोन है, ये गुड ओजोन है। बैड ओजोन क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी पर जो गैसें होंगी, जो परावैगनिक किरणें आएगी उसको ऊपर जाने से रोकेगा, और गुड ओजोन क्या है, ऊपर ले जाता है, ओके। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है क्या, भारत में लिखिए, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ तक आपका गोवा तक पश्चिमी तट उत्तरी भाग है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, और यहाँ ये आपका सदर्न साइड हो गया, इसको कहा जाता है कोंकण तट, ये इस पार्ट को कोंकण तट कहा जाता है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, और दिस ये पार्ट कहा जाता है मालाबार, और आपका ये कोरोमंडल कहा जाता है, यहाँ तक कोरोमंडल, और उसके ऊपर गोदावरी कोस्ट आ जाता है, फिर उत्कल प्लेन्स आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, जनरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया में कोल, ओके। भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है, पावर ऑफ जनरेशन, उसमें 67-68% इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है, ओके, थर्मल पावर। सेलिनेशन ऑफ सॉयल इज कास्ट बाय, सेलिनेशन ऑफ सॉयल ये कास्ट होता है अतिरिक्त सिंचाई के द्वारा। थ्री क्रॉप्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू गुड फूड गेन प्रोडक्शन आर, थ्री क्रॉप्स जो मैक्सिमम ग्लोबल फूड के लिए गेन का प्रोडक्शन है वो क्या है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम 3 फसलों का योगदान। तो देखिए, वीट एंड राइस, चावल और गेहूं तो रहेगा ही, तो जिसमें चावल गेहूं नहीं है वो हटा दीजिए, दिस वन इज़ नॉट। तो उसके बाद चावल और गेहूं के बाद जो आता है, या मक्का, तो मक्का आता है, ओके। तो आंसर इज डी, इन तीनों का योगदान सबसे ज़्यादा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एरिया वाइज ये लार्जेस्ट है,
और नंबर वन ये है, और सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। अब ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी थी पहले तो अलग थी, अब एक ही है। ओके, दमन एंड दीव ना, दादरा एंड नगर हवेली, ये सेकंड पे आता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है जे एंड के, नंबर वन पे है, और सेकंड पे है लद्दाख। ओके, इन विच स्टेट इज द मानस एनिमल हस्बेंड्री लोकेटेड? मानस एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये असम में लोकेटेड है। एरिया देख लीजिए, दिस इज असम और यहाँ है आपका मानस। वेयर इज इंडिया सेटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड? इंडिया का सेटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। ओके, that's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.